लोग देखेंगे बायर्स-सेवर्स लॉ। इससे पहले हमने जाना अकॉर्डिंग टू द ऑरेस्टेड हंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड ही हैज टोल्ड दैट व्हेनेवर देयर इज ए करंट व्हेनेवर देयर इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर और ए वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड अलोंग दैट वायर। ये ऑरेस्टेड अपने ऑब्जर्वेशन में किया। देखो हमने यहां पर एक ऑरेस्टेड दैट इज द हंस क्रिस्टन ऑरेस्टेड जो ऑब्जर्वेशन दिए उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर या वायर पे करंट आई मूव करता है तो ऐसे में उसके पैरेलल यहां पर एक कंपास नीडल दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ डिफ्लेक्ट कर गया इट विल मूव। ठीक है और कुछ बात उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन तेज होता है मीन्स शार्प डिफ्लेक्शन हो रहा है और फास्ट तेजी से मूव कर रहा है। एक बात बताया और फिर कहा कि अगर हम पॉलिटी को चेंज कर देते हैं इफ देयर इज द चेंज इन द पॉलिटी द करंट डायरेक्शन विल चेंज। अब करंट इधर से आ रहा है मैं यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट और यहां क्या ले लिए दैट इज द राइट टू लेफ्ट राइट इधर से राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है लेफ्ट अगर डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट यहां क्या था लेफ्ट टू राइट तो ऐसे में पॉलिटी और ये मैग्नेटिक नीडल जो है दैट विल डिफ्लेक्ट इन अदर डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो दो बात यहां ऑब्जर्व किए बाय द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड ने अपने ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि अगर करंट किसी वायर में मूव कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड बाय द हम लोग कैसे जाने तो मैग्नेटिक नीडल को इसके पैरेलल रखा और इसने देखा कि देयर इज द डिफ्लेक्शन हो रहा है ओवर द मैग्नेटिक नीडल मूव कर रहा है। तो यहां पर पता चला कि निश्चित तौर पे करंट जहां पर मूव कर रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है ये तो ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्होंने बता भी दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड अबाउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली किधर होगा। ठीक है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने कहा कि अगर करंट ऐसे मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किधर हो गया आउटसाइड बाहर हो गया फिंगर विच कवर द और कर्व द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बट व्हाट एक्चुअली द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो ये सबसे पहले किसने बताया दैट इज द बायर्स-सेवर्स कौन थे जैन वेबसेट बायर्स जैन नाम क्या है जैन वेबसेट बायर एंड फ्लेक्स सेवर दूसरा नाम क्या है फ्लेक्स सेवर तो दोनों के नाम का अंतिम बायर और सेवर को कंसिडर करके क्योंकि दो साइंटिस्ट ने इसको एक साथ कोलैबोरेट करके एक साथ मिल करके बनाया दैट इज द बायर्स-सेवर्स लॉ। बायर्स-सेवर्स लॉ क्या होता है दैट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मींस द मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बाय करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर देखो हम यहां पर लिए हुए हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप लेते हैं तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है जैसा कि ऑरेस्टेड ने कहा तो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना स्ट्रेंथ कितना है और वो उसका उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा सो ये किसने बताया बायर्स-सेवर्स ने कहा एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ही हैज गिवन जो हम लोग अभी आगे चल के कई एप्लीकेशंस में इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या क्या बात नोटिस किया अभी हम एक बार फिर से ऑरेस्टेड के एक रिलेशन पे जाते हैं और यह देख रहे हैं कि जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं करंट का मात्रा बढ़ा रहे हैं करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शार्प होते चला जा रहा है बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है और करंट का वैल्यू कम कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन स्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे करंट के वैल्यू पे
एक टर्म याद जाने। दूसरी बात, कितने दूरी पर हम रखे हैं कंपास नीडल को। अगर ज्यादा दूर है तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, नजदीक में है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये भी बात जाने। तीसरा बात, करंट का कितना पोर्शन आप जो करंट वायर में मूव कर रहा है उसका कितना पोर्शन हम कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से भी वहां पर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो कई बातें हैं जिससे जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अब इसी बात को बैट सेवर्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया। क्या क्या बात कहा कि उन्होंने कहा बैट सेवर्स, इफ द करंट इज मूविंग, आई करंट किसी कंडक्टर पे मूव कर रहा है और उसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज द डीएल लेंथ एलिमेंट। डीएल इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट या इनफिनिट इज में स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। और ये डिस्टेंस जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट डिस्टेंस लेट इट बी द पी पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ आर पोजीशन वेक्टर। आर पोजीशन वेक्टर हमने यहां कंसीडर किया है, ठीक है। और ये एलिमेंट इसको अब हम यहां पे देख रहे हैं, एंड दैट हैव द डायरेक्शन एंगल ऑफ, कितना एंगल है इनका, दैट इज द थीटा एंगल। अभी हम लोग एंगल के बारे में भी बात करेंगे और सब यहां पर क्लियर करेंगे। तो ये बात हमको मिला कि दैट डिस्टेंस क्या है, करंट का वैल्यू कितना है और कितना लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात जो हमको दिमाग में रखना है कि अगर करंट किसी वायर पे चल रहा है, किसी कंडक्टर पे करंट है, तो जहां पे चार्ज मूव कर रहा है, जहां चार्ज मूव कर रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इसका मतलब इन ए वायर, वायर में मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना होगा, वायर में जीरो होगा। तो इसका मतलब अब यहां से हम वायर से डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द वायर, ठीक है। ये थीटा एंगल आपने कंसीडर किया, तो ऐसे में ये इसके रिलेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी जितना जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको वायर सेवर्स ने कंसीडर किया। अकॉर्डिंग टू हिम दैट जो, या क्योंकि हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है डीएल, डीएल इज द वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डीबी, डीबी छोटा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देख रहे हैं पी पॉइंट पे। अभी मैं वेक्टर कहीं नहीं लगा रहा हूं, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, माने जैसे जैसे हम टर्न बाय टर्न नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वैसे वैसे हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और उसका डायरेक्शन क्या है। अभी सारा टर्न हमने मैग्नीट्यूड में कंसीडर किया है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर को लिए, उसको भी अभी छोड़ दो, हमने आर पोजीशन ले लिया, दैट इज द आर इज द डिस्टेंस। तो ऐसे में क्या क्या बात आप नोटिस किए कि दैट डीबी मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, पहला बात डीबी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट आई, और इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर किया गया। अभी हमने कहा भी यहां पर भी हम समझे कि अगर करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, दैट मींस देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, सो डिफ्लेक्शन तेज हो गया, ये एक बात। दूसरी बात आपने लिया डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो डीएल लेंथ एलिमेंट, अब लेंथ एलिमेंट को कैसे समझ रहे हैं, ये लेंथ एलिमेंट डीएल जो छोटा सा पोर्शन आपने लिया है, अगला में भी आप उतने ही लेंगे, फिर और लेंगे, और ये सब वैल्यू में आपका क्या है, लगभग सेम है। और बात कर रहे हैं कि मान लो हमने यहां पर डीएल के लेंथ एलिमेंट लिया और इसमें जितना चार्ज है इसमें जितना चार्ज आपने कंसीडर किया, अगला डीएल लेंथ एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो ये भी आपका कितना है, उतनी चार्ज कंसीडर करते हैं, उतनी चार्ज कंसीडर करते हैं, सेम चार्ज है दोनों में। इस तरह ये डीएल जो आपने लिया छोटा सा लेंथ एलिमेंट, सब पार्ट बाय पार्ट छोटा है, दैट इज वेरी स्मॉल, इनफिनिट इज में स्मॉल, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पार्ट आप कंसीडर कर रहे हैं और उसमें छोटे छोटे चार्ज का वैल्यू आप फ्लो कर रहा है, छोटा चार्ज आप कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो चार्ज का मात्रा भी बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि दैट मीन्स दिस डीबी
दैट चार्ज बढ़ा, इसका हमने फ्लो ज्यादा होगा, और फ्लो ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं कि दैट डीबी इज आल्सो रिलेटेड विद द और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट डीएल क्या है, डीएल इज द लेंथ एलिमेंट, ये क्या हो गया, और इसको हमने सेकंड मान लिया, दैट इज द रिलेशन। डीएल क्या आपने लिखा, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट आपको डीएल हो गया, डीएल इज द लेंथ एलिमेंट। ठीक है, अब ये दूसरा रिलेशन आप यहां पर समझे कि लेंथ एलिमेंट बढ़ेगा तो ऐसे में फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये भी बात आप नोटिस कीजिए। दूसरा, अब कह रहे हैं कि एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल कहां से लिए, फ्रॉम द वायर, वायर को जो आपने लिया जिसमें करंट चल रहा है वहां से हम एंगल को किस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो वो एंगल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहे हैं। अब एक बात और ध्यान में रखो, आप इधर का भी थीटा ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, टोटल अगर एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट आप ले रहे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले रहे हो, तो ये टोटल एंगल कितना है, दैट इज द 180 पाई, दैट इज 180। ठीक है, अब ये पाई एंगल है, 180 डिग्री है, और इसमें अगर हम कोई पार्ट लेते हैं, सपोज करो हमने यहां पर पार्ट लिया ये, तो यहां पर हो गया थीटा, और ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। अब दोनों का साइन फैक्टर है, क्योंकि जीरो से आप मैक्सिमम जा रहे हो, तो दैट इज द साइन फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ द थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ द पाई बाई पाई माइनस थीटा, दोनों बराबर है। तो आप दोनों ले सकते हो, आप इस वैल्यू को भी ले सकते हो, इस पाई माइनस थीटा को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट इट बी द फाई, फाई एंगल, अल्फा एंगल, व्हाट एवर मे बी, जो भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट एंगल को ही कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द थीटा। तो हम यहां पर ये रिलेशन भी देखें कि जैसे जैसे जीरो से थीटा बढ़ रहा है, मींस द वैल्यू ऑफ डीबी इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट मींस द डीबी, दैट इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द थीटा एंगल, एंड दिस इज द रिलेशन नंबर 3। सो गॉट माय पॉइंट, अभी आप लोग सभी मेरी बात समझे। ठीक है, थीटा आप कहीं से भी ले सकते हैं, एंगल आप कहीं से भी ले सकते हैं, इस थीटा को भी और इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर है। तो हम अभी स्मॉल एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जो आप स्मॉल, इन दोनों में से स्मॉल एंगल जो है उसको आपने कंसीडर किया। तो ऐसे में हम ये तीन रिलेशन देखिए। एक और मेजर रिलेशन हमने अभी कहा कि अगर हम दूर जितना जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, तो इसका मतलब वीक कितने से होगा, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से वीक होगा, दैट मींस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड दैट इज द रिलेशन नंबर 4। और हमने अभी कहा कि मैं वेक्टर कहीं नहीं कंसीडर कर रहा हूं, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड वैल्यू ओनली, और इसलिए मैग्नीट्यूड आप यहां लगाएं। अगर मैं वेक्टर यहां पर दे दूं, ये अगर वेक्टर हो जाता है तो, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हम इसको यहां पर ऐसे एरो करके यहां पे मॉड लगा देंगे, यहां भी आप मॉड लगा दीजिए, यहां भी आप मॉड लगा दीजिए, और ये भी आपका मॉड हो गया, दैट मींस ऑल रिलेटेड विद द मैग्नीट्यूड एंड डीबी इज द वेक्टर, ये भी हम लोग समझे यहां पर। अब इसको हम मॉड को हटा रहे हैं, हम सिंपल वे में लिख रहे हैं, दैट इज डीबी। ठीक है, ना वेक्टर लगाना है ना मॉड लगाना है, सो दैट इज द डीबी। ये अपने अंडरस्टैंडिंग को समझना है, इट इज नॉट द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, बिकॉज अभी हमने कहा कि वी आर ओनली दिस टाइम कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। जब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो फिर हम दोनों को लेकर के इसका वेक्टर रिलेशन बताएंगे। तो अभी हम यहां पे देखें, अब ये कंबाइन कर रहे हैं तीनों चारों रिलेशन को, सो कंबाइनिंग ऑल फोर रिलेशन, 1, 2, 3 एंड 4, इन सभी को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग दिस। तो कैसे आ, तब क्या आ गया मैग्नीट्यूड, That is the DB। ये छोटे से एलिमेंट का बाइट सेवर्ट्स ने रिलेशन फाइंड आउट किया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाला, तो दैट DB इज इक्वल टू, अब यहां हम बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कहा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, IDL sin theta in by r square।
और इस रिलेशन को मान लो हमने वन माना, फर्स्ट रिलेशन माना। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होगा, तो हम यहां पर दे रहे हैं दैट dB इज इक्वल टू k, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। और ये रिलेशन हमारे पास आ गया वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और n इट्स वैल्यू कितना है। अब इस बात को यहां लिख देते हैं वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू कितना लिखते हैं इज गिवन एज इज कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब यहां पर हम लिख रहे हैं और ये भी दे रहे हैं इसका यूनिट भी आ गया टेस्ला मीटर या टेस्ला पर एम्पियर मीटर, पर एम्पियर मीटर टेस्ला यहां पर आप देख रहे हैं। तो ये रिलेशन आपको आ रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, यहां पर जो वैल्यू आया इसको देखो अब के का वैल्यू हम यहां रख दिए तो ये रिलेशन अब कितना हो गया दैट डीबी db इज इक्वल टू अब k का वैल्यू रख दिए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां कितना हो गया i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब देखो बुक में या कई जगह आपको प्लेन ऐसे ही दिख रहा है और अगर आप वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहते हैं तो फिर हम अलग से करके भी दिखा रहे हैं कि देखो यहां पर हमने फिर वेक्टर और मॉड ले लिया मींस इट विल रिप्रेजेंट ओनली द मैग्नीट्यूड। ये किसको बता रहा है बेटा दैट विल रिप्रेजेंट ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को बता रहा है और इस रिलेशन को हमने क्या मान लिया रिलेशन नंबर 2। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं कि म्यू क्या है वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ठीक है वेयर म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी इन फ्री स्पेस या और भी कह सकते हैं और इन एयर और वैक्यूम तो एब्सोल्यूट दैट इज द परमीएबिलिटी इन फ्री स्पेस मीन्स यहां पर कोई मीडियम को हमने कंसिडर नहीं किया है तो ऐसे में म्यू का वैल्यू भी कितना है सो म्यू नॉट इज इक्वल टू अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 4 पाई इंटू 10^-7। अब ये रिलेशन का यूनिट कैसे निकालेंगे तो पहले यूनिट देखते हैं भले हम यहां लिख दे रहे हैं यूनिट कितना हो गया टेस्ला और आप यहां ले रहे हैं मीटर पर एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट लीजिए लेकिन कैसे यूनिट निकाले अब यूनिट को निकालने का तरीका हम देख रहे हैं यहां पर तो ये देखो इसको इधर मिटा दे रहे हैं और हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लिए दैट विल दैट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी और अब यहां पर कैसे यूनिट निकालेंगे दोनों का के का वैल्यू यूनिट भी आपने देखा और तो ये बहुत सिंपल वे में निकल जाएगा दैट इज रिलेशन हमारे पास क्या है देखो यहां पर अब फिर हम यहां मॉड इसे हटा करके सीधे लिख रहे हैं डीबी डीबी इज इक्वल टू दैट म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां कितना हो गया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं इससे हमको म्यू नॉट निकालना है सो म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डीबी आर स्क्वायर इंटू 4 पाई बाय नीचे कितना आ गया अब इसको इधर कर दिए म्यू नॉट क्या है सो आई डी एल और साइन थीटा। एक बात ध्यान में रखना है दिस इज द कांस्टेंट कैरेक्टर इसका यूनिट नहीं है ये कांस्टेंट वैल्यू है नंबर है ठीक है रियल नंबर साइन भी साइन का भी यूनिट नहीं है तो ये दोनों को आपने कैंसिल कर दिया। अब यहां सीधा सीधी बात कर रहे हैं
डीबी का होता है टेस्ला, और टेस्ला इज द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं। और यहां हो गया मीटर स्क्वायर बाय, करंट का हो गया एम्पियर और डीएल का हो गया एमीटर। अब यहां से ये मीटर और मीटर कैंसिल कर दिए तो कितना बन गया? टेस्ला पर एम्पियर मीटर। और देखो हर जगह लिखा हुआ है टेस्ला पर एम्पियर मीटर, यहां भी और यहां भी आपने लिखा। इसका मतलब म्यू नॉट का यूनिट आप जो ले रहे हैं वही के का यूनिट भी हो गया। के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो यहां क्या मिला? म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट का यूनिट आपने यहां लिया, द सेम यूनिट यहां पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। एक रिलेशन जाने, दूसरा रिलेशन भी देख सकते हैं कि अगर हम डीबी के जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर रखते तो ये मान लो। अब यहां से हम दूसरा रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। यहां लिखे म्यू नॉट और इसका यूनिट निकाल रहे, यूनिट निकाले अभी हम लोग, यूनिट कैलकुलेट किए, ठीक है। टू कैलकुलेट यूनिट, एसआई यूनिट कैलकुलेट किए। तो अब यहां भी यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, डीबी के जगह रख दिया वेबर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनटू यहां पर आ गया आर के जगह पर मीटर स्क्वायर बाय, नीचे हो गया एम्पियर और यहां हो गया मीटर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या यूनिट हो गया? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी ऐसा यूनिट हो गया वेबर पर एम्पियर पर मीटर। इनके जगह पे हम ये भी दे सकते हैं, यहां लिख सकते हैं वेबर पर मीटर, यहां पर कितना है पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। दोनों जगह यहां भी आप यूज कर सकते हो। तो ये यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट कैसे है? एब्सोल्यूट परमियबिलिटी का यूनिट आपने कैलकुलेट किया दो तरह से, एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तो अभी हम लोग क्या बात किए, दैट इज द मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? तो अब एक छोटा सा बात हम लोग और करके समझते हैं, चलो इसको भी मिटा दे सारा। देखो फॉर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, तो अब डायरेक्शन को हम देखने जा रहे हैं, ये बात को समझने जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे डायरेक्शन देख रहे हैं? एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कितना किधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, दैट इज द डीबी। अब इसको हम वेक्टर के रूप में ले रहे हैं, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं, दैट इज दिस इक्वल टू म्यू नॉट यहां बाय 4 पाई, और आपने लिया आई डीएल। नाउ आई डीएल इज द वेक्टर, ये जो है डीएल लेंथ एलिमेंट जो आप कहीं भी ले रहे हैं, मान लो आपने यहां पर सेम डीएल लेंथ एलिमेंट लिया, सो आई डीएल दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट। सो करंट क्या बता रहा है, दैट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इस लेंथ एलिमेंट का क्या है, आई के डायरेक्शन यानी करंट के डायरेक्शन पे आपने लेंथ को कंसिडर किया है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड, मान लो हमने यहां पर लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका हमने लेंथ हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपने लेंथ एलिमेंट लिया, अब ये वेक्टर बन गया और यहां वेक्टर हमको दिख रहा है इनटू। अब बात कर रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर आपने आर लिया, और हम यहां पर एक और रिलेशन ले रहे हैं, दैट इज यूनिट पोजीशन वेक्टर। आर कैप क्या बता रहा है, यूनिट पोजीशन वेक्टर। चलो पहले ये एंगल सबको हम हटा देते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसको हम हटा दिए और यहां हमने स्मॉल आर यूनिट कैप ले लिया, दैट इज यूनिट पोजीशन वेक्टर, यूनिट पोजीशन वेक्टर, और ये आपको मिल रहा है। तो हम यहां पर ऐसे भी दे सकते हैं, दैट क्रॉस ऑफ द यूनिट पोजीशन वेक्टर। अब ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, आइडियल क्रॉस इतना आ रहा है, तो इसको हम वेक्टर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे कितना आ गया, यूनिट ये है तो आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है,
दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन हमको ऐसे ही मिल जा रहा है। dl का डायरेक्शन से हम थीटा एंगल मूव कर रहे हैं। सो ऐसे में थंब दैट रिलेशन इज द राइट हैंड थंब रूल। द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर और प्रोड्यूस प्रोडक्ट वेक्टर, प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ऑफ द टू वेक्टर्स, टू वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बना वो थर्ड डायरेक्शन हुआ एंड दैट इज द डीबी। इसका मतलब इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड के रूल के हिसाब से फॉलो किए और ये डायरेक्शन किधर मिल गया, इनसाइड द शीट, और इनसाइड द शीट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, ठीक है। आउटसाइड शीट लेंगे तो डॉट से। ये क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इनसाइड इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड बोलो या आप अपनी कॉपी को लेते हैं तो शीट लिख सकते हैं, अंदर की ओर जा रहा है। इसको अभी हम लोग समझें तो ये एक रिलेशन हो गया दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब इसको हम और बढ़िया से समझ सकते हैं कि हमने कहा कि dl को यहां पर अब i को हम हटा दे रहे हैं, i को यहां से एक करके वेक्टर के रूप में l dl ले रहे हैं। तो अगर आप ये लेते हैं दैट dl वेक्टर इनटू यहां पर वेक्टर लिए और इनटू यूनिट क्रॉस, क्रॉस आपने लिया यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ dl इज द l और मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट इज द 1 इनटू 1 और क्रॉस प्रोडक्ट है इसका हमने साइन फैक्टर, साइन फैक्टर और नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल हो गया ये। अब नॉर्मल किधर लेंगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे या स्क्रू रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो हम किधर से जा रहे हैं, तो लेंथ एलिमेंट से हम जा रहे हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट, लेंथ एलिमेंट से पोजीशन ऑफ द पॉइंट मूव कर रहे हैं। तो ये आपका कर्व बन रहा है और ऐसे में राइट हैंड थंब अंदर की ओर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, दैट मूव इनसाइड। तो ये बात हम यहां समझ रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक देखो बेटा, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू dl sin थीटा। तो यही बात आ गया, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसी रिलेशन को, यही रिलेशन आपके पास पहले था, इसी रिलेशन को हम क्या पहले था, तो पहले था dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा, ठीक है, dl वेक्टर लगा करके sin थीटा बाय r स्क्वायर, और इसी वेक्टर को आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया यूनिट के केस में, साइन फैक्टर आपको यहां आ गया और डायरेक्शन के लिए आपको नॉर्मल लगाना पड़ा। सो यहां पर हम नॉर्मल दे सकते हैं अगर वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो नॉर्मल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही तो नॉर्मल है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा हम पीछे और जा रहे हैं। पीछे कहने का मतलब कि अगर हम वेक्टर को देख रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं तो देखो बेटा ये ए वेक्टर है मान लो और ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है विद थीटा एंगल। तो ऐसे में ए से बी की ओर मूव करना, अब यहां गौर करो कि ये ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ए टू बी कर्व कर रहे हैं तो डायरेक्शन किधर चला गया, दैट डायरेक्शन मूव एट द अपवर्ड, ये ऊपर की ओर दिखा रहा है और ये क्या हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर, इट इज अनदर वेक्टर, इसी को आप क्या लिखते हो सी वेक्टर भी लिखते हो। और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इंडिकेट द ए बी साइन थीटा एंड नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल हो गया एन, और ये नॉर्मल क्यों बोले, ये इसके भी 90 डिग्री और इसके भी 90 डिग्री, दोनों वेक्टर से ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए जान रहे हैं। अब इसी बात को यहां पर देखिए और हमने एक वेक्टर रिलेशन निकाला dB is equal to mu naught by 4 pi i dl sin unit cap by r square। अब एक और बात करते हैं यहां पे देखो, तो ये रिलेशन तो आप यहां देख लिए और समझ भी गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट कैप अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो यूनिट का वैल्यू कितना है, ये यूनिट कैप की है तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर आप r यहां देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर By the magnitude। तो अगर हम इसको यहां रख दें तो मेरे पास dB का वैल्यू क्या हो गया, that dB is equal to, हम लिख सकते हैं यहां पर that is mu naught by 4 pi I dl vector cross position vector by r cube, क्योंकि r का वैल्यू आप ले लिए। तो वहां पर आप इक्वेशन नंबर 3 यहां कर सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हो। तो हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा
और वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी हमने देखा, और डायरेक्शन को हम समझे भी कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन इसमें इनसाइड द शीट हो गया। अगर आप उलट देते हैं डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर आ जाएगा जैसे ही आप पोजीशन को बदलेंगे। तो ये आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिला। एक बात और बता रहे हैं, अगर हम लोग समझे इस बात को तो ये वैल्यू जो आपने लिखा था क्या लिखे थे, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने लिखा डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है, और यहां पर आप कंसीडर किए साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये तो था मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि डीएल आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर पोजिशन वैक्टर दैट इज, तो आप इसका मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसका यूनिट कैप ले रहे हैं, यूनिट पोजिशन ले रहे हैं, यूनिट कैरेक्टर ले रहे हैं। तो यूनिट कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर बाई, नीचे भी मैग्नीट्यूड लिख दिए आई डी एल और क्रॉस यहां पर क्या हो गया इनटू आर, इस आर वेक्टर आर हो गया क्योंकि यहां आप कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं यहां पर, मतलब जो वैल्यू आप यहां ले रहे हैं आई डी एल साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो आई डी एल साइन थीटा आएगा। या एक काम करो, पहले आप इस बात को समझ गए कि जो वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया वो वेक्टर मिल गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल with that of the r to the q, अब ये vector representation हो गया। और direction हमने क्या कहा कि direction inside the sheet दे रहे हैं यहाँ पर according to right hand thumb rule या right hand screw rule के हिसाब से, ठीक है। तो ये बाय सेवर्स ने magnitude and direction दोनों को explain किया। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि comparison कर रहे हैं हम लोग कूलम्स लॉ और बायर्ड सेवर्स के बीच में क्या कंपेरिजन है। तो देखो इसको भी हम लोग समझें, डिफरेंसेस या बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड द बायर्ड सेवर्स लॉ, कूलम्स लॉ और बायर्ड सेवर्स क्लियर कर रहे हैं, कंपेयर बायर्ड कूलम्स लॉ Coulomb's law and Biot-Savart's law। अब इस दोनों में क्या comparison है, क्या क्या बात है जो common है, माने और dissimilar भी कर सकते हैं, क्या क्या चीज है, differences देख रहे हैं हम लोग एक तरह से। तो सबसे पहला difference हमको क्या मिलता है कि Coulomb's deals with the charge to charge particle, लिख सकते हैं Coulomb's Coulomb's deals, एक मिनट काटो, Coulomb's deals with two charges and whereas in case of the Biot-Savart's deals with the current element, Biot-Savart's law deals with current element के बारे में बात कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया दैट Coulomb's deals with the और Coulomb's law deals with the, कर सकते हैं Coulomb's law deals with the two charges। अब दूसरा पॉइंट क्या हमको यहां मिल रहा है कि Coulomb's law two charges is the scalar character, so it deals with the scalar quantity, कह सकते हैं it deals with scalar quantity, जबकि यही बात Biot's क्या कर रहा है, but Biot-Savart's law deals with vector quantity, किसके बारे में, vector quantity के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर
कूलम्स लॉ में कहीं हम एंगल के बारे में नहीं बात करते हैं, जबकि वाइट्सवर्ड्स लॉ डील्स विद एन एंगल, एंगल यहां दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टर्म हम लिख सकते हैं कि इट आल्सो रिलेटेड विद द एंगल, मींस वाइट्सवर्ड्स बायोट सेवर्स लॉ रिलेटेड विद एंगल, एंगल के साथ है वाइट्सवर्ड्स में, एंगल भी फैक्टर है, साइन थीटा आपने लिया। और ये तीसरा चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि वाइट्सवर्ड्स के केस में और कूलम्ब के केस में कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट एंड मींस द लॉ एक्ट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज इन केस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्ट विद अलोंग द, कह सकते हैं थर्ड पॉइंट में कूलम्ब्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द displacement vector, displacement vector। लेकिन यही बात हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम वाइट्सवर्ड्स लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट ऑफ द नॉर्मल एक्ट करता है इन केस ऑफ द वाइट्सवर्ड, इन वाइट्सवर्ड्स बायोसेवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल। तो ये डिफरेंसेस या कह सकते हैं कि दो में कंपैरिजन हमने किया कि वाइट्सवर्ड्स में केस में दैट डील्स विद द टू चार्जेस एंड देयर इज दिस टू चार्जेस आर स्केल, whereas the Watt-Severs deals with the Coulomb car, deals with the current element and current element is the vector। So ये था आपका comparison भी। So हमने जाना आज कि magnetic field strength कैसे calculate करते हैं और Watt-Severs के द्वारा इसको आपने निकाला law के द्वारा और direction भी देखे। In the next video we will go through the next topic। Good luck।